तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के आपके विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा टोटली क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का विज्ञान का पेपर कुछ इस प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के विज्ञान के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ सके। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको पढ़ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो देखो ये की थी रदरफोर्ड ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसी संख्या के बराबर होती है। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रोटोन के बराबर होती है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, चौथे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, पराध्वनि तरंग होती है बांध के जल में। तो देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्थितीय ऊर्जा होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक, छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थी छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वाट होगा, किसी वस्तु के काम करने की क्षमता कहलाती है। सातवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों किसी वस्तु के काम करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। एसआई पद्धति में जी का मात्रक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आठवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर ये वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, आयतन मापने का साधारण मात्रक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आयतन मापने का साधारण मात्रक होगा आपका लीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बढ़ती है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना अधिक होती है, तो यहाँ से आपको अधिक लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, चौथे का राइट आंसर आपका होगा आर्द्रता, इसको क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, धातुएं ताप एवं विद्युत की होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों धातुएं ताप एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो यहाँ से आपको लिख लेना सुचालक होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बर्फ जल एवं वाष्प से गुण समान होते हैं। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रासायनिक। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, रासायनिक गुण समान होते हैं। उसके बाद में निलंबन कणों का व्यास मीटर होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों निलंबन कणों का व्यास कितना होता है, तो यहाँ से आपको लिखना है 10^-5। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख लो। आप सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले नंबर की जोड़ का मिलान आपको कर लेना ई से। उसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया इसकी जोड़ का मिलान आप लोग कर ले एफ से। कोशिका चौथे नंबर पर जो लिखा है इसकी जोड़ का मिलान आप लोग कर लोगे, देखो इसके पहले ये जो आपका दिया गया तीसरे नंबर का क्वेश्चन, देखो तीसरे की जोड़ का मिलान आपको कर लेना है जी से। और चौथे नंबर पर जो लिखा है चौथे की जोड़ का मिलान आपका हो जाएगा एच से। उसके बाद में देखो पांचवा जो लिखा है ना आपका, तो पांचवे की जोड़ का मिलान आप लोग कर ले ऐसे। और उसके बाद में देखो छठे नंबर पर जो लिखा गया है छठे की जोड़ का मिलान आपका हो जाएगा बी से। उसके बाद में देखो सातवें नंबर पर जो लिखा है इसकी जोड़ का मिलान आपका सी से हो जाएगा। उसके बाद में आठवें नंबर पर जो दिया गया है तो आठवें की जोड़ का मिलान आपका होगा डी से। तो इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। चलो समझते हैं कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपसे किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका ऊतक का उदाहरण होगा रक्त एवं प्लाज्मा। तो यहाँ से लिख ले रक्त एवं प्लाज्मा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऐसे लिख लें आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तंत्रिका ऊतक का नाम होगा न्यूरॉन,
यहाँ से आप लोग लिख ले क्या होगा, न्यूरोन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जड़ों से जल एवं इनका संवहन जो होता है ना, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जाइलम। जाइलम यहाँ से आप सब लोग नोट कर लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, संवेग का मात्रक आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, संवेग का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर सेकंड। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख लो किलो और उसके बाद में ग्राम और उसके बाद में लिखना है यहाँ से आपको मीटर, उसके बाद में सेकंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड और यहाँ पर आपको लिखना वन, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संवेग का मात्रक लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संवेग का मात्रक होगा आपका मंदन, यहाँ से आपको लिख देना इस प्रकार से। उसके बाद में वेग में प्रति सेकंड, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो पूछा गया आपका, तो देखो वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर वैसे मंदन आ जाता, मैंने आपको मंदन किसका बता दिया, इसका बता दिया, तो आप सब लोग इसको करें। चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर होगा। अब ये पाँचवें का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो छठे का राइट आंसर आपका क्या होगा, छठे में आपको लिख देना मेरिनो, इसमें आपको क्या लिखोगे, मेरिनो, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पशुधन प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं पशुपालन, यहाँ से लिख ले पशुपालन, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके जो क्वेश्चंस दिए गए ना, इन सभी का सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो मगर आप लोग पहले पेपर को देख लो। इस प्रकार का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब चलो मैं आपको जल्दी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी एक ही साथ में बता दूंगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें। अब चलो मैं जल्दी से आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, अब 5 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है और 7 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है और 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है और 9 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख लो और उसके बाद में देखो 10 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और बाकी क्वेश्चन के उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है, 11 का अतवाला क्वेश्चन ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है और 12 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है और 13 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है और 14 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 को यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिखा पूरा का पूरा और 15 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को देख लो और 16 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लो। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है और 17 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को कंप्लीट कर लो। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है और 18 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये दिया गया है और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर ये लिखे हैं और 21वें क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 21 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है जिसमें कि आपको दिया गया अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में देखो अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, तो इसके उत्तर को भी यहाँ से आप लोग इसको पूरा समझ लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।